हाय गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज कमलदीप सिंह। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बहुत ही मिन्यूट बारीकियों के बारे में, जिसके बारे में कई बार इंग्लिश स्टूडेंट्स क्या इंग्लिश टीचर्स को भी नहीं मालूम होता। क्या आपको कन्फ्यूज़न होती है सम टाइम, यानी कि विदाउट एज सम टाइम्स, विद एज सम टाइम के बीच में स्पेस है, इनमें क्या अंतर है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं, आपको नहीं मालूम होता? आज हम ये जानेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑन टाइम और इन टाइम में क्या अंतर है, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, कैसे इनका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है जब हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं। फिर हम जानेंगे इन द एंड और एट द एंड में क्या अंतर है। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सम टाइम को लेके। सम टाइम विदाउट एज, सम टाइम्स विद एज, सम टाइम। सो पहले हम जानते हैं सम टाइम विदाउट एज, ये एक एडवर्ब है, यानी कि जब फ्यूचर में कोई हमने अनस्पेसिफाइड टाइम में कुछ करना है उसके बारे में प्रयोग करने के लिए हम यूज़ करते हैं सम टाइम। जैसे कि लेट्स मीट फॉर कॉफ़ी सम टाइम सून, लेट्स मीट फॉर कॉफ़ी सम टाइम सून, मेरे साथ आप भी बोला कीजिए, आपका भी उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, लेट्स मीट फॉर कॉफ़ी सम टाइम सून, आइए कभी बहुत जल्दी कॉफ़ी के लिए मिलते हैं, राइट? सो दोस्तों, यहाँ पे आपने सम टाइम का प्रयोग करना है क्योंकि हमने फ्यूचर की बात की है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई विल फोन यू सम टाइम दिस इवनिंग, आज शाम को कभी भी, सम टाइम मानेंगे ये अनस्पेसिफाइड टाइम, मैं आपको फ़ोन करूँगा। एक बार फिर से सुनिए, आई विल फोन यू सम टाइम दिस इवनिंग, राइट दोस्तों? अब हम बात करते हैं सम टाइम्स, ये भी एक एडवर्ब है, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कभी कभार, यानी कि 50-50%। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सम टाइम्स आई ड्राइव टू वर्क एंड सम टाइम्स आई गो बाय बस, सम टाइम्स आई ड्राइव टू वर्क एंड सम टाइम्स आई गो बाय बस, कभी मैं गाड़ी चलाकर काम पे जाता हूँ, कभी मैं बस पे जाता हूँ, राइट? एक और एग्जांपल, सम टाइम्स माय फैमिली गोज आउट फॉर डिनर, कभी कभार मेरी फैमिली बाहर डिनर के लिए जाती है, राइट दोस्तों? थर्ड है सम टाइम, यानी कि बीच में स्पेस है, तो इसके लिए होता है कि मुझे कुछ समय चाहिए, सम टाइम, जैसे कि गिव मी सम टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, मुझे कुछ समय दीजिए, गिव मी सम टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, राइट? गिव मी, लेकिन जब नेटिव स्पीकर्स इसको उच्चारण करते हैं तो एक शॉर्ट शब्द उच्चारण करते हैं, गिव मी, गिव मी, इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगी, आप भी ध्यान दो, गिव मी सम टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। एक और एग्जांपल, आई विल नीड सम टाइम टू फिनिश रीडिंग दिस बुक, आई विल नीड सम टाइम टू फिनिश रीडिंग दिस बुक, मुझे कुछ समय चाहिए इस बुक को कंप्लीट करने के लिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई विल नीड सम टाइम टू फिनिश रीडिंग दिस बुक, आई विल सम टाइम टू फिनिश रीडिंग दिस बुक, ओके नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इन द एंड और एट द एंड में क्या अंतर है, कैसे इनका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। इन द एंड की पहले बात जानते हैं, इन द एंड में क्या मतलब होता है कि फाइनली, राइट, अल्टीमेटली हम किसी एक कंक्लूजन में पहुंच गए हैं, एक रिजल्ट पे पहुंच गए, तब हम यूज करते हैं इन द एंड। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, इन द एंड शी डिसाइडेड टू लीव हर कंट्री, इन द एंड शी डिसाइडेड टू लीव हर कंट्री, अंत में उन्होंने डिसाइड कर लिया अपनी कंट्री छोड़ने के लिए, राइट, यानी कि एक फाइनल डिसीजन पे। एक और एग्जांपल, इन द एंड शी चोज टू गो टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन द एंड शी चोज टू गो टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो दोस्तों, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन अंत में उन्होंने डिसाइड किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, राइट? एट द एंड क्या होता है, एट द एंड क्या होता है कि कोई भी आपके पास इवेंट है, कोई टाइम है, उसके एक अंत में, राइट, कोई चीज़ आप करते हो, तब हम यूज़ करते हैं एट द एंड। जैसे कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ दिस इवेंट, यानी कि एक इवेंट चल रहा है उसके अंत में आपने कोई क्रिया की, कोई साल है उसके अंत में क्रिया की, किसी महीने के अंत में आपने कोई क्रिया की, तब हम एट द एंड, इसका मतलब फाइनली आउटकम नहीं होता, राइट दोस्तों? जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझ आ जाएगी, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडेज एट द एंड ऑफ द वीक, इस वीक के अंत में मैं छुट्टियों पे जाऊंगा, आई एम गोइंग ऑन हॉलीडेज एट द एंड ऑफ द वीक। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे और ध्यान दीजिए, सीख लीजिए, यहाँ पे हमने गोइंग, नॉर्मली क्या होता है, हम कहते हैं गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे जब हमने हॉलीडेज
का यूज करना है तब हम प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे. कौन सी प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे? ऑन. आई एम गोइंग ऑन हॉलीडेज एट द एंड ऑफ द वीक. सेकेंड एग्जाम्पल, आई पे द फोन बिल एट द एंड ऑफ ईच मंथ. आई पे द फोन बिल एट द एंड ऑफ ईच मंथ. रिपीट कीजिए, आई पे द फोन बिल एट द एंड ऑफ ईच मंथ. हर महीने के अंत में मैं अपने फोन का बिल पे करता हूँ. राइट. सो मुझे लगता है आपको दोनों का कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया होगा, इन द एंड और एट द एंड. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं ऑन टाइम और इन टाइम में क्या अंतर है. ऑन टाइम क्या होता है कि आपने एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है. जैसे आपने इंटरव्यू में पहुंचना है तो हम कहते हैं बी ऑन टाइम फॉर योर इंटरव्यू. आप टाइम पे होना अपने इंटरव्यू के लिए. राइट. प्लीज अराइव ऑन टाइम. राइट. टाइम पे पहुंचना. जैपनीज ट्रेन्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑन टाइम. जो जैपनीज ट्रेन्स है वो हमेशा टाइम पे होती है, कभी भी दो मिनट इधर नहीं और उधर नहीं, एक एग्जैक्ट. अगर 10 बजे उनका टाइम है वो 10 बजे पहुंचती है. इन टाइम का प्रयोग हम किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं? इन टाइम का प्रयोग हम जैसे कि हमने अर्ली पहुंच जाए. अगर आपकी ट्रेन 10:30 बजे, आप ये थोड़ी कि ऑन टाइम पहुँचोगे 10:30, फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा. आपको कम से कम 10-15 मिनट पहले पहुँचना होता है कि आप देख लेंगे कि आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है. राइट. आपको फिर सब सुविधा हो जाए ट्रेन पे चढ़ने के लिए. सो दोस्तों उस कॉन्टेक्स्ट में हम इन टाइम का प्रयोग करते हैं. जैसे आप ये ना एग्जांपल देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा. इफ़ वी डोंट हरी अप वी वॉन्ट बी इन टाइम टू कैच द ट्रेन. इफ़ वी डोंट हरी अप वी वॉन्ट बी इन टाइम टू कैच द ट्रेन. अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे. वॉन्ट यानी कि विल नॉट बी इन टाइम टू कैच द ट्रेन. ठीक है कि हमें एक अर्ली टाइम पे पहुंचना 15-20 मिनट पहले. एक और एग्जांपल, ही ऑलवेज गेट्स देयर इन टाइम टू गेट ऑन द बस. ही ऑलवेज गेट्स देयर इन टाइम टू गेट ऑन द बस. वो बस पे चढ़ने के लिए हमेशा वहाँ पे समय से पहले पहुंच जाता है. राइट. कि यानी कि मैंने कॉलेज जाना है, मेरी बस है 7:30, ये थोड़ी कि मैं 7:30 पहुंचूंगा, तो मैं 10-15 मिनट पहले पहुंचूंगा, अर्ली पहुंचूंगा उससे. राइट. सो दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट में हम इन टाइम का प्रयोग करते हैं. इन टाइम क्या होता है कि हमें किसी जगह पहले पहुंचना चाहिए कि 10-15 मिनट हम अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें मैनेज कर लें. ऑन टाइम क्या होता है कि आपकी मीटिंग है या आपने किसी जगह पे पहुंचना है एक शार्प टाइम पे, या एक कोई इवेंट है वो 10 बजे बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम ऑन टाइम का प्रयोग करते हैं. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए. अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए. दोस्तों बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. अगर आप मुझसे कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो आईएलटीएस के राइटिंग के ऊपर, आप क्लासेस लेना चाहते हो ग्रामर क्लासेस लेना चाहते हो, मेरा फ़ोन नंबर आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हो. इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा. आज के लिए दोस्तों इतना ही. धन्यवाद.